मान लो ये घर का सेंटर हो गया, ठीक है, सपोज करो कि ये जो एंट्री है ये S3 और S4 की एंट्री है, बहुत अच्छी एंट्रेंसेस होती है S3 और S4 की, तो इसके आगे जो एंट्री आएगी वो कौन सी आएगी, S5, इसके और आगे कौन सी एंट्री आएगी, S6, इसके और आगे कौन सी एंट्री आएगी, S7, S6 और S7 ये जो दो एंट्रेंसेस हैं ये साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन की एंट्रेंस है, और कहा जाता है कि इन दोनों एंट्रेंसेस का कोई इलाज नहीं। क्लाइंट ने क्या किया, इस एंट्रेंस के सामने S3 S4 के एंट्रेंस के सामने यहां पे लगा दिया एक मिरर। अब मिरर क्या करेगा, इस डोर की रिफ्लेक्शन जो है वो इस मिरर में आनी शुरू हो जाएगी। उससे होगा क्या, क्लाइंट को S3 S4 के इफेक्ट तो आएंगे क्योंकि ये उसकी मेन एंट्रेंस है, लेकिन S3 S4 के साथ S5 और S6 के इफेक्ट भी आने लग जाएंगे, यानी कि पैसा भी आ रहा है, कर्जा भी बढ़ेगा, लॉस भी लगेंगे, दरिद्रता भी।